हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिवम उपाध्याय अपने यूट्यूब चैनल द होम्योपैथिक वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं फिर आप सभी के साथ जुड़ गया हूं एक नए वीडियो लेकर। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा लू टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में, जिसे हम मेल हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, क्या कॉजेज होते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम पेशेंट के अंदर देखा जाता है, क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं डायग्नोसिस के लिए, क्या नॉर्मल वैल्यूज़ है इसकी, और क्या होम्योपैथिक मेडिसिन चलती है जो कि रूटीन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, और दोस्तों परमानेंट जैसे कि अगर कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन की या थेरेपीज चलती हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएँ दोस्तों, इससे आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेल हाइपोगोनेडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर फेल्योर ऑफ गोनेड्स देखा जाता है, खासकर कि मेल्स में टेस्टिकल्स के फेल्योर देखे जाते हैं, जिससे वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रॉपरली नहीं बना पाता। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन एक मेजर रोल अदा करता है प्यूबर्टी के दौरान। जब हमारा एज लगभग 14-15 के ऊपर जाता है तो उस दौरान टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू होता है, जो कि बहुत सारे चेंजेस लाता है इंसानों के अंदर, जैसे कि आवाज़ भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होना, स्पर्म बनना, सीमन बनना। दोस्तों, इसमें देखा जाता है साथ ही साथ प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ वगैरह भी होती है, ओवरऑल मस्कुलिन ग्रोथ होती है, इसमें हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आवाज़ भारी होती हैं। दोस्तों, ये सब कुछ चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के दौरान। दोस्तों, ये जो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है या मेल हाइपोगोनेडिज्म जिसे हम कहते हैं, ये कंजेनाइटल भी हो सकता है या बाद में भी ऐसा हो सकता है, जिसे हम एक्वायर्ड कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं। फ्रेंड्स, ये दो टाइप्स के होते हैं। मेल हाइपोगोनेडिज्म जनरली दो टाइप के देखे जाते हैं, एक तो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, दूसरा सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म। दोस्तों, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म वो होता है जिसमें टेस्टिकल्स की फॉल्ट होती है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सप्रेशन देखी जाती है, कमी देखी जाती है। दोस्तों, इसे हम हाइपर गोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी बात करें अगर हम, तो सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म, जिसे हम हाइपोगोनेडोट्रॉफिक हाइपोगोनेडिज्म भी कहते हैं। फ्रेंड्स, सेकेंडरी हाइपोगोनेडिज्म में होता ये है कि टेस्टिकल्स तो नॉर्मल फंक्शन करती है, बट हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स होते हैं, जो कि मैसेज नहीं करते हैं, या मैसेज करते हैं तो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सेक्रेट करें। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। फ्रेंड्स, ये मैसेज करता है हमारे पिट्यूटरी को कि आप LH और FSH, LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और FSH को फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप जानते होंगे LH FSH दो तरीके के हार्मोन्स निकालता है ये पिट्यूटरी। फ्रेंड्स, ये जो LH है वो टेस्टिकल्स में लीडिंग सेल्स पे जाके काम करता है, उसे सिग्नल देता है कि आप टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करें। फ्रेंड्स, ये सिग्नल टेस्टिकल्स तक नहीं पहुँच पाते किन्हीं कारणों से, जैसे कि अगर हाइपोथैलेमस का गड़बड़ी है या पिट्यूटरी की गड़बड़ी है, वो मैसेज ही नहीं भेज पा रहा है, यहाँ तक सिग्नल ही नहीं भेज पा रहा है लीडिंग सेल्स तक, तो टेस्टोस्टेरोन कैसे निकालेगा लीडिंग सेल। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके टेस्ट की, क्या टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं डायग्नोसिस के लिए। दोस्तों, आपके डॉक्टर्स या आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट आपको बोल सकते हैं सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराने के लिए, जो कि एक ब्लड टेस्ट है। फ्रेंड्स, आपको कुछ हार्मोनल टेस्ट भी कराने को बोल सकते हैं साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन के, LH, FSH या थायराइड की कुछ जांचें करा सकते हैं आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कभी कभी देखा जाता है कि टेस्टिकल्स की USG भी कराते हैं डॉक्टर्स। फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ जांचें जो मेजरली आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट कराते हैं, ये जानने के लिए कि किन कारणों से ऐसा हो रहा है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नॉर्मल रेंजेस के ऊपर, कितना होना चाहिए शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन। तो दोस्तों,
ये वेरी करता है एज टू एज। जैसे कि प्यूबर्टी के टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा, एंड्रोपॉज के दौरान बहुत ही ज़्यादा लो रहेगा। तो ये नॉर्मल देखिए नॉर्मल दोनों है, एंड्रोपॉज के टाइम भी कम है तो वो नॉर्मल ही है, ऐसी बात नहीं है कि वो कोई दिक्कत है। एक समय बाद शरीर की क्षमता कम हो जाती है, लीडिंग सेल्स की पावर कम हो जाती है, टेस्टिकल्स की पावर कम हो जाती है कि वो उतना सेक्रीशन नहीं कर पाता है, और प्यूबर्टी के टाइम जस्ट उसका स्टार्ट होता है, उस समय वो भरी पूरे मात्रा में बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो दोस्तों वेरी करता है एज टू एज, लेकिन अगर हम बात करें एवरेज की तो उसका नॉर्मल एवरेज होगा लगभग आपका 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेके 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। या दोस्तों अगर हम इसे दूसरे यूनिट में देखें एन मोल पर डेसीलीटर, नैनो मोल पर डेसीलीटर में, तो 10 से 35 नैनो मोल पर डेसीलीटर के बीच में भी इसका क्वांटिटी एवरेज देखी जाती है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके कॉजेज के ऊपर, क्या कॉजेज होता है लो टेस्टोस्टेरोन होने का। फ्रेंड्स इसमें जो मेन कॉज है वो है एंड्रोपॉज, क्लिनफेटर सिंड्रोम, कार्ल्समैन सिंड्रोम, अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, हीमोसिड्रोसिस, हीमेटोक्रोमेटोसिस। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कुछ और कारणों की, दोस्तों इसमें देखा जाता है अगर हम कैंसर के पेशेंट हैं या हमारी कीमोथेरेपी चल रही है तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन रिटार्ड होती है, सप्रेशन देखा जाता है इसके अंदर। दोस्तों अगर हम बहुत मेडिसिंस खाते हैं तो उसके अंदर भी देखा जाता है कि हम हार्मोनल मेडिसिन अगर लें तो उसके अंदर भी देखा जाता है कि जो है सप्रेशन हो जाता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का। फ्रेंड्स और भी कुछ कारण अगर हम बात कर लें कुछ जो महत्वपूर्ण हैं, इंजरी अगर होती है आपको अंडकोश की या टेस्टिकल्स में अगर आपको चोट लग जाती है, कभी एक्सीडेंट वगैरह पे हो जाता है, तो उसके वजह से भी सप्रेशन देखा जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। दोस्तों ये तो थे कुछ मुख्य कारण जो कि ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर, मरीज के अंदर क्या लक्षण पाए जाएंगे हाइपोगोनिज्म के अंदर। दोस्तों मरीज के अंदर देखा जाएगा कि वो बहुत दुबला पतला होगा, उसका पेट निकला होगा, उसकी छाती निकली हुई होगी, पेशेंट की जो मसल मास है वो बहुत कम होगा, पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाएगी, हड्डियाँ बहुत हल्की हो जाएंगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी। दोस्तों उसके अंदर पुअर कंसंट्रेशन देखा जाएगा, उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, जैसे कि उसके बॉडी पे या उसके फेशियल हेयर्स नहीं आएंगे, एक्सिलरी हेयर्स नहीं होंगे, प्यूबिक हेयर डेवलप नहीं होंगे। फ्रेंड्स इसके अंदर देखा जाएगा सिम्टम इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, दोस्तों या तो इसे इजैकुलेशन होगा बहुत थोड़ी मात्रा में या बिल्कुल भी नहीं इजैकुलेट होगा सीमेन। दोस्तों इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म पर अगर देखें हम तो इसके अंदर इम्पोटेंसी भी देखी जाती है ड्यू टू लैक ऑफ डिज़ायर ऑफ सेक्स, इसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर भी ख़त्म हो जाता है, लो लिबिडो जिसे हम कहते हैं। दोस्तों ये कुछ मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि देखे जाते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी पे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न मेडिसिन में हम क्या थेरेपीज डॉक्टर चलाते हैं या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट आपके चलाते हैं। दोस्तों कभी कभी देखा जाता है, मैंने बताया आपको मेजरली प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं हाइपोगोनिडिज्म, कभी कभी देखा जाता है कि दोनों कॉज कर जाते हैं, जैसे कि कुछ खास बीमारियों में थैलेसीमिया वगैरह में या सिकल सेल है जिसमें आपको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन चलता है जिसके वजह से आपको हीमोसिड्रोसिस हो जाता है। तो दोस्तों हीमोसिड्रोसिस आपके पिट्यूटरी में भी हो गया, हाइपोथैलेमस में भी हो गया और टेस्टिकल्स में भी हो गया है। तो दोस्तों इसके अंदर ना पिट्यूटरी मैसेज कर पाएगा, सिग्नल भेज पाएगा, और ना ही ये रिसीव कर पाएगा और ना ही ये फॉर्मेशन कर पाएगा टेस्टिकल्स। दोस्तों ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे केसेस में मेडिसिन इन जनरली काम नहीं करती है या काम करती है तो उतना अच्छे से काम नहीं करती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक मतलब आपको आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि आपको एक निश्चित समय पे आपको इंजेक्शन लेना है उसका लाइफ लॉन्ग। फ्रेंड्स इसके अल्टरनेट HCG भी एक थेरेपी है, अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस में अगर गड़बड़ी है तो HCG के देने से भी जो है नॉर्मल सेक्रीशंस सही हो जाते हैं टेस्टोस्टेरोन के। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन है जो रूटीन के अंदर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करती है
जो मैं अपने क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करता हूँ अपने पेशेंट का। तो दोस्तों इसमें एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आपको होम्योपैथिक फार्मेसी में जाना है, आपको 3 मदर टिंचर वहाँ से ख़रीद लेना है और साथ ही साथ 100 ml की एक खाली फाइल भी ले लेनी है। दोस्तों आप तीनों मेडिसिन का नाम पहले जान लीजिए। दोस्तों पहली मेडिसिन है अपनी मदर टिंचर अश्वगंधा मदर टिंचर, जिसे हम कहीं कहीं देखेंगे कि विदैनिया सोमनीफेरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विदैनिया सोमनीफेरा या अश्वगंधा दोनों एक ही मेडिसिन है। दोस्तों आपको अश्वगंधा ले लेना है। दूसरी मदर टिंचर अपनी है डामियाना मदर टिंचर। दोस्तों तीसरी मदर टिंचर अपनी कॉम्बिनेशन की है ट्रिबुलस टेरेस्टिस। दोस्तों ये तीनों मेडिसिन आपको फार्मेसी से लेके आना है, साथ ही साथ इसके खाली फाइल लेके आनी है 100 ml की। दोस्तों 30-30 ml की हमें मिला लेना है बराबर बराबर मात्रा में, 90 ml हो जाएगा और 10 ml थोड़ा सा जगह खाली रखना है हमें। दोस्तों उसके बाद हमें 10 स्ट्रोक मार देना है ऐसे ऐसे करके, ताकि दवा तीनों आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए। दोस्तों मिलने के बाद हम इसे रख लेंगे और इसका 20-25 बूंद दिन में 3 बार सेवन करेंगे। इसे हम लेंगे थोड़ा सा 1 घूंट पानी के साथ, 1/4 कप पानी के साथ इसे 20-25 बूंद लेंगे दिन में 3 बार। दोस्तों अब बात करते हैं अगली मेडिसिन की। दोस्तों अगली मेडिसिन अपनी है टेस्टिस सिकाटिस 3x। दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। दोस्तों इसे हमें 2-2 गोली दिन में 3 बार लेना है। आपको सिंपली 2 गोली ढक्कन में निकालनी है और ज़ुबान पर रख के चूस जाना है और फिर पानी पी लेना है थोड़ा सा। दोस्तों अपनी अगली मेडिसिन है कैलेडियम 30। फ्रेंड्स कैलेडियम 30 भी देखा जाता है, बहुत ही अच्छा काम करती है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स ये इम्पोटेंसी के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो दोस्तों कैलेडियम 30 हमें 5 बूंद ज़ुबान पे 2-3 बार ही हमें लेना है। फ्रेंड्स अब बात कर लें अगर हम अपने अगली मेडिसिन की, तो अपनी अगली मेडिसिन है जेंसिंग 1x मदर टिंचर। दोस्तों जेंसिंग 1x हमें 2-2 गोली दिन में 3 बार ज़ुबान पे रख के चूसना है, फिर थोड़ा सा पानी हमें पी जाना है। दोस्तों हमें सभी दवाइयों के बीच में 10-15 मिनट का अंतर रखना है। फ्रेंड्स अगर हम ऐसा करते हैं कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक, तो आप देखेंगे आपको धीरे धीरे करके सुधार आना शुरू हो जाएगा। और जो आपको अगर पहले से भी रिप्लेसमेंट टेस्टोस्टेरोन की चल रही थी, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसे हम कहते हैं, अगर वो भी चल रही है तो भी देखा जाएगा कि ये धीरे धीरे आपकी वो उसमें समय अंतराल बढ़ता जाएगा। जैसे आपको इंजेक्शन आपको 6-6 महीने पर लग रहा है, तो आपको 1 साल होगा, फिर 1.5 साल होगा, और आपको ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। और ये मेडिसिन आप कुछ लंबे समय तक 1-2 साल, 3 साल लेंगे तो ये बिल्कुल भी समस्या ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन पे, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है, जो कि मैं भी कभी कभी प्रिस्क्राइब करता हूँ पेशेंट के अंदर। जब हमें पूरा लक्षण मिलता है होम्योपैथ मेडिसिन, तब ये सब बहुत अच्छी काम करती है। तो दोस्तों इनमें से जो कुछ टॉप ग्रेड होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा काम करती है, वो है आरामेट, कोनियम मैकुलेटम, कालीफॉस, यूहम्बिनम, नूफर लूटिया, एग्नेस कास्टस एसेट्रा। दोस्तों ये सब लक्षण मिलने पे बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी काम करती हैं। दोस्तों कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर से ना होम्योपैथिक मेडिसिन काम करती है ना एलोपैथी के कोई मेडिसिन काम करती है। जैसे कि मैंने बताया कंजेनाइटल वाला, कंजेनाइटल अगर होता है तो उसमें मेडिसिन काम बहुत कम करती है, या तो बिल्कुल भी नहीं करती, या तो करती है तो बहुत धीरे धीरे काम करती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जारी रखनी होती है लाइफ लॉन्ग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।